एक डॉक्टर था जो मरीजों का इलाज अच्छी तरह से करता था और उन्हें सही दवाई देता था, लेकिन जब उसके पास ज्यादा लोग आने लगे तो वह लालची हो गया और उनसे ज्यादा पैसे मांगने लगा, क्योंकि कुछ मरीज ये कहकर बच जाते थे कि वह गरीब हैं या उनके पास पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने अपनी रणनीति बदल ली। जब कोई रोगी उसके पास आता तो वह पहला प्रश्न उनसे यही पूछता कि क्या तुम्हारे पास पैसे हैं, और उसके बाद ही उनकी जांच शुरू करता। एक दिन एक माँ अपने बच्चे को साथ लाई और अपने साथ एक खूबसूरत सा डब्बा लाई। डॉक्टर ने पूछा, क्या आपके पास पैसा है? उस औरत ने जवाब दिया, हाँ मेरे पास है। अपने बेटे का इलाज हो जाने के बाद उसने वो डब्बा डॉक्टर को दिया और कहा, ये लीजिए डॉक्टर, ये मैं आपके लिए ही लाई हूँ। लेकिन डॉक्टर को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाया, तो मैं नहीं पता कि मैं जांच के लिए सिर्फ पैसे लूंगा, तो मुझे गुस्सा क्यों दिला रही हो? तो इस पर उस औरत ने पूछा, मुझे आपको कितने पैसे देने की आवश्यकता है? डॉक्टर ने कह दिया, 200 रुपए। उस औरत ने डब्बा खोला, उसमें एक 500 रुपए का बंडल था और 100 रुपए। उसने ध्यान से 200 रुपए गिने और डॉक्टर को दे के क्लिनिक से चली गई। हम भी परमेश्वर से मांगते हैं और वो हमेशा हमें बहुत कुछ देने के लिए तैयार होता है, लेकिन उसके समय को समझे बिना हम निराश और क्रोधित हो जाते हैं। अब से क्या हम उसकी आशीषों को पाने के लिए धैर्य पूर्वक इंतजार करें? बाइबल हमें बताती है विलाप की 3:25 आयत में, यहोवा उनके लिए उत्तम है जो उसकी बाट जोहते हैं, यहोवा उनके लिए उत्तम है जो उसकी खोज में रहा करते हैं।